बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का अक्टूबर वायदा इस वक्त, ग्वार गम का अक्टूबर वायदा इस वक्त जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 10,463 पर है 2.5% की करेक्शन के साथ। और बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा 5,965 पर है 1.5% की करेक्शन के साथ। देख रहे हैं कि दो दिन की तेजी के बाद आज ग्वार गम की कीमत, ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों में एक गिरावट के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें ओवरऑल अभी ग्वार की कीमतों में जानकार अभी तेजी का ही रुझान बता रहे हैं कि जो ग्वार की कीमतें हैं उनमें तेजी देखने को मिल सकती है। ये इसको कह सकते हैं कि ऊपरी स्तर से एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजा के मुताबिक जब तक ग्वार की कीमतें 9,800 से लेकर 10,000 के ऊपर बनी हुई हैं, ग्वार की कीमतों में तेजी का ही रुझान है और ग्वार गम की कीमतों के लिए 10,500 और 10,800 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं जिनको अभी ब्रेकआउट करना बाकी है। एक बार डेली बेसिस पे इन लेवल्स पर भी क्लोजिंग आनी बाकी है, और अगर एक बार इन लेवल्स पर क्लोजिंग आ जाती है और ग्वार गम की कीमतें 11,200 के ऊपर निकल जाती हैं, 11,200 के भी ऊपर सस्टेन हो जाती हैं ग्वार गम की कीमतें, तो आने वाले दिनों में अमित सजाजा के मुताबिक ग्वार गम की कीमतों में 12,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और ग्वार गम की कीमतों में जो खरीदारी के लेवल्स दिए हैं अमित सजाजा ने, वो नीचे में 10,000 से 10,100 के लेवल्स पर खरीदारी करके चला जा सकता है ग्वार गम की कीमतों में अच्छा मुनाफा पाने के लिए। बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड की कीमतों में अगर ग्वार सीड की कीमतें 6,200 का डेली बेसिस पर क्लोजिंग देती हैं तो 6,300 से लेकर 6,600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और ग्वार सीड की कीमतों में 5,900 के लेवल पर खरीदारी करके चला जा सकता है अमित सजय के मुताबिक। तो ये तो बात करी थी हमने कि किस लेवल पर ग्वार गम में खरीदारी बिकवाली करके चला जा सकता है। अब बात करते हैं ग्वार गम के फंडामेंटल्स की, ग्वार में एक्चुअल की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्वार में तेजी एक्चुअली बन क्यों रही है। सबसे पहला तो ये कि जो कच्चे तेल है, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से ग्वार का वायदा बाजार उछलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, ग्वार का जो उत्पादन है इस बार लगभग पिछले साल के मुकाबले आधा रहने की उम्मीद है। पिछले साल ग्वार गम का जो उत्पादन हुआ था वो लगभग 50 से 60 बोरी हुआ था और इस बार 20 से 25 लाख ही बोरी होने का अनुमान है। तो यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्वार गम, ग्वार का जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, वो लगभग 45 से 50% कम रह सकता है। आपको बता दें कि चालू सीजन में जब ग्वार की बुआई का समय था तब बारिश की गतिविधियां ज़्यादा देखने को मिली थी जिसकी वजह से ग्वार की बुआई इतनी नहीं हो पाई। मुख्य उत्पादक राज्यों में ग्वार की बुआई नहीं हो पाई है भारी बारिश के चलते, मौसम की गतिविधियां तेज होने के चलते, और जो स्टॉक यूज़ हो रहा है वो पिछला स्टॉक यूज़ हो रहा है क्योंकि काफ़ी सालों से ग्वार का जो स्टॉक था वो इतना खप नहीं रहा था क्योंकि ग्वार के जो विकल्प थे उनका यूज़ ज़्यादा किया जा रहा था। और अब ग्वार की इंडस्ट्रियल डिमांड है, ग्वार की मांग निकल के सामने आई है जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। तो यही सारे कारण है कि जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है।